मत आजमा मुझे ऐ ज़िंदगी इतना, तेरे चैलेंजेस मुझे हरा नहीं सकते। मत आजमा ऐ ज़िंदगी मुझे इतना, तेरे चैलेंजेस मुझे हरा नहीं सकते। एक दिन मंजिल पाकर ही रहूँगा, क्योंकि मैं उम्मीद पर नहीं अपनी ज़िद पर जीता हूँ। माय फ्रेंड्स, ये लाइन सूट करती है शेख मोइस को, जो एग्ज़ाम के कुछ महीना पहले एक एक्सीडेंट का शिकार हुए, जिसमें उनके बैकबोन पूरी तरह से टूट गए और दोनों पैरों से माजूर हो गए, और वो चल भी नहीं सकते थे और ना ही कुर्सी पर बैठ सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, और ना कि सिर्फ SSC एग्ज़ाम में शिरकत की, बल्कि उसमें नुमाया कामयाबी हासिल की। 90% स्कोर करके सारे लोगों को चौंका दिया। एंड वी सल्यूट यू फॉर दिस ग्रेट सक्सेस। और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। हम सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं आपकी इतनी बड़ी कामयाबी पर, और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये इंसिडेंट आपके साथ कैसे पेश आया, किस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ। 1 जनवरी 2018 को मेरा एक्सीडेंट बाइक से हुआ था। मैं बाइक पर जा रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था कि अचानक मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और मैं एक्सीडेंट होते ही मैं बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और मैं नीचे से हाफ पैरालाइज हो गया था। उसके बाद मुझे स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ, मेरा स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी हालत बहुत नाजुक थी, तो मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं उठ के बैठ भी नहीं सकता था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प की, वो मुझे उठा के बिठाते थे, यहाँ तक कि वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते थे। तो ऐसा करते मैं 3 महीने तक KEM हॉस्पिटल में एडमिट रहा। 3 महीने बाद मुझे डिस्चार्ज हुआ, और 3 महीने बाद मैं घर पर आया था। घर पर आने के बाद भी मैं बहुत नर्वस रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि उस हादसे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। मैं चल नहीं सकता था, मैं खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपना हौसला भी हार दिया था। तो मेरे घर वाले और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हिम्मत दी। वो मुझे कहते थे कि कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है, हादसे होते रहते, तू भी नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हैं, तुम भी नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी हौसला आया, और मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। वेरी गुड। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप चल भी नहीं सकते थे, आप कुर्सी पर भी बैठ नहीं सकते थे, हाँ, तो एग्ज़ाम के लिए आप किस तरह से जाते थे, और किन लोगों ने आपका इसमें ताउन किया, किन लोगों ने कोऑपरेट किया? सब एग्ज़ाम, मतलब जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैं जब व्हीलचेयर पे बैठने के लायक हो गया था ना, तो व्हीलचेयर पे मैं अपना 9th का एग्ज़ाम और स्कूल व्हीलचेयर पे ही देने जाता था। मेरे पापा ने, मेरे अब्बू ने मेरी बहुत हेल्प की, वो मुझे स्कूल तक व्हीलचेयर से ले जाते थे, और कभी मेरा छोटा भाई या मेरे दोस्त मुझे स्कूल से घर लाते थे। और मैंने 10th का भी ऐसी फर्स्ट सेमेस्टर और प्रीलियम तक यही ऐसी व्हीलचेयर से एग्ज़ाम दिया, लेकिन 10th के फाइनल एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ, और मैं पहले की तरह फिर से बेड पर हो गया। ना मैं व्हीलचेयर पर बैठ सकता था और ना मैं एक स्कूल जा सकता था। तो मैंने, तो मुझे अपना फाइनल एग्ज़ाम एग्ज़ाम हॉल में बेड पर ही देना पड़ा। तो मैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए एम्बुलेंस से स्कूल जाता, एग्ज़ाम हॉल जाता था, और एम्बुलेंस से ही एग्ज़ाम हॉल से घर आता था। मेरे अब्बू और हमारे गांव के एक नगमान अंकल है, उन्होंने मेरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम किए, और दोनों मुझे एग्ज़ाम हॉल तक ले जाते थे और वही घर पर लाते थे। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। इट्स ग्रेट। सो आप जैसे 90% आपने स्कोर किया, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते, और इस सिचुएशन में आपने 90% स्कोर किया, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आप इस सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की और इस मकाम पर खड़ा किए। इस कामयाबी का क्रेडिट तो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिए, हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। और उन तमाम लोगों को भी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किए, जैसे मेरे भाई बहन, जब भी मुझे स्टडी के मामले में कोई डिफ़िकल्टीज आती थी
वो मैं अपनी बहन से डिस्कस करता था, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता था। और मेरे अब्बू कभी काम में बिजी रहते तो मेरा छोटा भाई मुझे स्कूल तक पहुंचाता था व्हीलचेयर से, और कभी वो भी घर पे लाता था। और मेरे दोस्तों ने भी मेरी बहुत हेल्प की, और तमाम टीचरों ने मेरी स्टडी के मामले में भी बहुत हेल्प की, हर तरह से हेल्प की। और ख़ास तौर से मेरे स्कूल के प्रिंसिपल खालिदा मैम और चेयरमैन अतिक सर, उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किए, हर तरह से मदद की। मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेरी गुड। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डेली आप कितना घंटा स्टडी किया करते? वैसे तो मैं डेली मैक्सिमम 4 से 5 घंटे स्टडी करता था। मेरी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी, तो मैं जैसा भी मुझे वक्त मिलता मैं अपनी स्टडी को मुकम्मल करता था। आप जैसा भी मैंने आपको बताया, मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ उसके बाद, इसलिए मैं अपनी स्टडी ज़्यादा करता था क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ गए थे और मुझे फ़ाइनल एग्ज़ाम में स्कोर भी बहुत अच्छा करना था, इसलिए मैं अपनी स्टडी उस वक्त ज़्यादा करता था। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्टडी के लिए? हाँ। वेरी गुड। और उसके बाद फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? जैसे मैंने आपके न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा कि आप इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। वैसे मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं, एक कंप्यूटर इंजीनियर बनूं, और मेरा ड्रीम ही था मैं इंजीनियर बनूं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं काबिल कंप्यूटर इंजीनियर बनूं। वेरी गुड। तो आपकी हॉबीज़ क्या, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते? वॉचिंग, रीडिंग, जैसे जब भी मुझे कोई फ्री टाइम मिलता तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, अपने सिलेबस के बुक्स को छोड़ के एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ता हूँ, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स वगैरह, इंफॉर्मेटिव वीडियो भी देखता हूँ यूट्यूब पे। और कभी कभी माइंड मैं बहुत बोर फील करता हूँ तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए गेम्स भी खेलता हूँ, यही मेरे हॉबीज़ हैं। ओके, ग्रेट। सो आपके हिसाब से अगर किसी इंसान को ज़िंदगी में कामयाब बनना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इंसान को कामयाब होने के लिए, कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास कोई गोल या मिशन होना चाहिए। उसे पूरा करने के लिए हमारे पास उसे हौसला भी चाहिए। मुश्किल वक्त में कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपने अपनी उम्मीद को कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हम हमेशा मुश्किल वक्त आया तो उसका डट के सामना करना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मली SSC HSC और बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अच्छा, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हौसला, हमारे पास गोल चाहिए, तो मैं स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना पहले गोल सेट करें, उसके बाद जैसा मैंने बचपन से ही अपना गोल सेट किया था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूँ, उसमें मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आई, बहुत परेशानी आई, उसके बावजूद मैंने अपना हौसला नहीं हारा, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि कितनी भी मुश्किल आए आप कभी उम्मीद मत हारें, अपनी कोशिश जारी रखें, हौसला बुलंद रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर इंशाल्लाह अगर बुलंद हौसले रहे तो कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। समवन हैज सेड दैट मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहा तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते। सो अगर आपके अंदर बिलीव है, अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हो और हार्डवर्क करते हो और मेहनत करते हो सक्सेसफुल होने के लिए, डेफिनेटली वन डे यू विल गेट सक्सेस। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दे विल ऑल्सो गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।